50 पेज के 100 पेज के सबूत हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि सरकार कार्रवाई करेगी, पुलिस भी कार्रवाई करेगी, हम ही लोगों पे करेगी, क्योंकि उसको जो आवाज उठाता है उसके लिए गलत है। मैं चाहता हूं कि अब मैं आपको वो सबूत दिखा रहा हूं, पेपर कहां से लीक हुआ। 10 मिनट मेरी बात इज्जत से समझ लेना, क्योंकि आपसे भी कोई पूछेगा आपको झूठा साबित करेगा कि हम झूठ बोल रहे हैं, तो यह सबूत तुम लोग दिखा सको, यह वीडियो रिकॉर्ड कर लो और वादा करो कि तुम सब लोग इस वीडियो को भी शेयर करोगे। जितने लाइव साथी आएंगे वो अभी देख ले, क्योंकि यह वीडियो मैं हटा दूंगा, क्योंकि कार्रवाई निश्चित है। यह बात कई संवाददाता मुझे बता चुके हैं थोड़ी देर पहले। और भर्ती बोर्ड ने जो आंतरिक समिति गठित की है, जो अखबार वालों ने कहा है कि पेपर लीक पर, अभी उसकी भी खबर आई है, वो भी गलत मिसकोटेड है। उन्होंने हम पर कार्रवाई करने के लिए कोई कमेटी गठित की होगी कि हमारा कोई इसमें रुचि तो नहीं, हम कोई पैसा तो नहीं कमा रहे, हमने कुछ ऐसा तो नहीं किया, वो हमारी ईमानदारी या हम बच्चों की मेहनत के लड़ रहे हैं उसको नहीं देखेंगे। तो मैं चाहता हूं जितने लाइव देख रहे हैं आप सबको कम से कम 5-5 को भी मैं अपनी बात कहना शुरू करूंगा, ध्यान देना। अब आप समझना, मैं आपको पहले पेपर दिखाऊंगा और पेपर दिखा के आप सभी लोगों को यह समझ में आए तो आप फिर मुझे बताना कि पेपर जो होता है। पहले मैं आपको पेपर दिखा देता हूं 18 की सेकंड शिफ्ट का, थोड़ा सा आप सभी लोग एक बार थोड़ा सा, तब तक आप लोग एक बार शेयर करके आइए। यह बहुत बड़ा रिस्क है, इतना बड़ा रिस्क है कि किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई, लेकिन जब रिस्क ले रहे मैं चाहता हूं कि तुम थोड़ी सी सपोर्ट करें। मैं तुम्हारी सारी बात, पद यात्रा, लखनऊ, हर चीज में साथ रहूंगा हमेशा, वे कभी पीछे नहीं हटा, पर आज तुम मेरा एक छोटा सा काम कर दो, यह सबूत अपनी आंखों में बसा लो, जिससे कि उत्तर प्रदेश के बेरोजगार युवाओं, कल को कोई तुम्हें झूठा बताए, कल को कोई तुम्हें मक्कार बताए, कल को कोई तुम्हारे पर लाचन लगाए, तो उसके मुंह पर 100 पेज की पीडीएफ सबूत की मार सको। तैयार हो इस चीज के लिए 10 मिनट, लेकिन बिना पूरी वीडियो देखे मत जाना, ध्यान से मैं तुम्हें एक चीज बता रहा हूं। तुम्हारे सामने जो है यह पेपर लीक के है, यह आंसर की एक, यह आंसर की वो पीडीएफ है जो रीजनिंग के टेलीग्राम अरुण सरके पर सुबह 9 बजे, यही पेपर 2:30 बजे परसों 24 घंटे पहले भी मेरे पास था, राइटिंग दूसरे उसे भी लिखाऊंगा। अब ये देखो, ये आपको दिख रहा होगा अच्छे से, स्क्रीनशॉट लेते चला, इसमें तुम्हें क्या दिख रहा है, यहां पर पूरा क्वेश्चन है, यहां पर ए बी सी डी ऑप्शन है, और जो उत्तर है उसको नीचे हाईलाइट किया हुआ है, यस या नो करते रहना, मेन कहां से पेपर लीक हुआ आज पता चल जाएगा तुम्हें। यह पूरा क्वेश्चन है, यहां उत्तर को हाईलाइट किया हुआ, पूरा क्वेश्चन है, और क्वेश्चन ये तक लिखा हुआ है शेषफल ज्ञात कीजिए, मतलब ये नहीं इतना हो सकता है 7 को 7 से विभाजित शेषफल, इतना भी लिख सकते थे, पूरा क्वेश्चन है, ध्यान से देख लेना। गेहूं की कीमत, पूरा एक एक चीज, लास्ट में क्वेश्चन एबीसीडी ऑप्शन, एक धनराशि को ऑप्शन, एक एक चीज को आप तुम लोग देखते रहो। यहां पर कामसूत्र निम्नलिखित में से किसकी रचना है, वासेर, भरतमुनि, बाणभट्ट, कौटिल्य, पूरा का पूरा एक एक क्वेश्चन नोट, जो सदा दूसरों पर इसल, मतलब कोई केवल उत्तर नहीं है, सीधा का सीधा ऑप्शन एबीसीडी, केवल उत्तर वाला ही, चारों के चारों, पूरे के पूरे देखो, ये पूरे के पूरे देखना, हर क्वेश्चन में आपको एबीसीडी मिलेगा, हर क्वेश्चन में आपको एबीसीडी, ये तुम देख रहे हो अपनी आंखों से। अब देखो एक बजे की बात, ये डीआई का क्वेश्चन है, ये कैसा क्वेश्चन है डीआई का, पीक्यूआरएसटी कंपनी के महीना में प्रोडक्शन पूरा, एक एक चीज, एक एक चीज, ये तुम्हारे सामने है, तुम्हारे सामने है। अब तुम मेन पेपर देखना, ये पूरा का पूरा 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 35, पूरा का पूरा, जो 27 से 31 जब कोई क्वेश्चन तुम लोग करोगे तो उस क्वेश्चन से पहले दिशा निर्देश होते। देखो इस क्वेश्चन में 42 पे क्वेश्चन यहां पे कुछ लिखा हुआ है, कह रखा है कि ये जो प्रश्न है इनमें निम्नलिखित जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें, फिर प्रॉपर आपको दिशा निर्देश भी दे रखे, प्रॉपर दिशा निर्देश, प्रॉपर एक एक चीज, लेकिन कार्रवाई होगी, ये वीडियो डिलीट होगी, हो सकता है अरेस्ट भी हो। मैं चाहता हूं कि तुम लोग इस बात को हर बच्चे तक पहुंचा दो, इतनी सी सपोर्ट कर दो, हर चीज में साथ हूं, सब पर बात करूंगा, बस मेरी अभी कभी बिना सबूत के खाली बात करने से कुछ नहीं होना। लाखों लाख ट्वीट हुए, अखबारों में झूठी खबर आ गई कि आंतरिक समिति पेपर लीक के लिए बनी है, अभी एक पत्रकार भैया ने बताया वो नहीं बनी उसके लिए। अब देखना, यह पूरा देख लिया, 49, 50, 51, 52, 53, यह पूरा का पूरा एक एक चीज, एक एक चीज, 104, यह 150 तक, ऐसा ये यहां पर कम दिख रहे, 150 तक। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन दिखा देता हूं, यह 18 की सेकंड शिफ्ट के हैं, ये 18 की किस शिफ्ट के हैं, अब कहोगे नहीं 18 की, आई थिंक पहली शिफ्ट का आ गया इसमें, मैं आपको सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन दिखा देता हूं, जहां ये क्वेश्चन सेकंड के सेकंड आए हैं, जहां ये क्वेश्चन सेम टू सेम आए, ये आ गया, ये आ गया, ये पूरे के पूरे। अब मैं तुम्हें उस क्वेश्चन पे ले चलता हूं, जो क्वेश्चन तुम स्वयं अपनी आंखों से देख पाओगे, जहां पर इस क्वेश्चन में क्या बताया गया है, जहां पर वो आपके लिए वो ये क्या बोलते हैं टेबल आई है, टेबल तक पहुंचते जिससे कि आपको बात क्लियर हो जाए। तो क्योंकि ये चीज आपको जाननी जरूरी है, सबूत खुल रहे हैं साथी,
एक मिनट रुक जाना, पूरा का पूरा सबूत तुम्हारे सामने मैं पूरा का पूरा सबूत दे रहा हूं, बस एक सेकंड मुझे दे दो। इरादा बहुत नेक है बच्चा, नेक इरादे से एक एक चीज कोई झूठ रही। ये देखो यहां पर आ जाते हैं। अब एक चीज बताओ मुझे तुम अच्छे से, एक चीज बताओ, अगर तुम कोई पेपर लीकर हो तो क्या तुम्हारे किससे मतलब होगा? तुम एक सामान्य तौर पर अपने आप को पेपर लीकर मानो, एक जनरल पेपर लीकर, जनरल पेपर लीकर का मतलब किससे होता है मुझे बताओ? उसका क्वेश्चन और उत्तर से मतलब होता है या उसका चारों ऑप्शन से मतलब होता है? सबका कमेंट आना चाहिए। यह बताओ कि जो कोई पेपर लीकर है, 106 पर वापस आ जाऊंगा, क्या उसका मतलब चारों ऑप्शन से होता है या जैसे कोई रीजनिंग का क्वेश्चन है तो क्या वो चारों की चारों को बनाएगा तुम्हारे लिए फिर इस तरीके से या केवल मेन क्वेश्चन बनाएगा? मुझे बता दो। वो थोड़ा सा क्वेश्चन सभी लोग शेयर करो क्योंकि यह वीडियो डिलीट होगी, हटा दी जाएगी, गिरफ्तारी भी होगी। यकीन ना हो तो मैं आपको बस सरस्वती की कसम खाऊं, पत्रकार भैया ने यह बता दिया है, भर्ती बोर्ड का मैसेज डिलीवर कर दिया है। 15-20 मिनट पहले की बात है, मैं तो कुछ बोला नहीं क्योंकि मैं इस पीडीएफ पे लगा था। 100 पेज का पीडीएफ है, लाख बच्चे इकट्ठे होने चाहिए और तुम सब लोग अपनी आंखों से देखो आज कि कैसे तुम्हारे साथ छुरा घोपा गया है जिससे तुम और स्ट्रॉन्ग मजबूती से अपनी बात रख पाओ। तुम्हारा मतलब किससे होता है, चार ऑप्शन से या उत्तर से? चलो ठीक है, तुमने कहा उत्तर से। सामान्य तौर पर 100% बच्चे तुम्हारी कमेंट बता रही है, उत्तर छोड़ा सा क्वेश्चन मिल जाए सर, थोड़ा सा उत्तर वो भी दिखाऊंगा। क्या तुमने कभी चारों शिफ्ट, चारों ऑप्शन इस तरीके से बने देखे होंगे और चारों में से आपकी आकृति और उसकी चारों और फिर उसकी आउटलाइन भी की गई? अरे किस पेपर लीकर के पास इतना टाइम होता है कि जो पूरी की पूरी आउटलाइन करे? मुझे बताओ क्या किसी के पास इतना टाइम होता है? पेपर लीक तो बहुत दिल में घबराहट होती है, जल्दी जल्दी उतारेगा, थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा उत्तर कैसे उतारेगा, कैसे उतारेगा उसका भी दिखा देता हूं कि पेपर लीकर कैसे उतारेगा। पेपर लीकर ऐसे उतारेगा, वो थोड़ा सा क्वेश्चन उतारा, थोड़ा सा उत्तर उतार दिया, थोड़ा सा वन लाइनर, बात मान रही हो ना? उसको चारों ऑप्शन से क्या मतलब? अब बताओ चारों ऑप्शन कौन उतारेगा, चारों ऑप्शन किसने लिखे होंगे? चलो ये 18 का अभी सुनते रहना, अभी मामला खत्म नहीं हुआ, असली मामला तो तुम्हें अब दिखाऊंगा, असली मामला तो तुम्हें मैं अब दिखाऊंगा। ये बताओ चारों ऑप्शन से किसे मतलब होता है, तुम मुझे बताओ सर किसे मतलब होता है? जिसने क्वेश्चन पेपर बनाया हो, जिसने क्वेश्चन पेपर को बनाया हो किसको मतलब होता है, कमेंट्स लिखो। तो ये पेपर लीक किसने किया, समझ में आई? ये पेपर सेंटर वेंटर से तो बाद में लीक हुआ क्योंकि ये वन लाइनर आंसर की भी आई, एक एक पेपर की तीन तीन चार चार आंसर की, वन लाइनर आंसर की भी आई। और ये पेपर सुबह 8:42 पर फुल एक ये वन लाइनर में भी आया और यही पेपर तुम्हारे सामने बच्चा कैसा घूमा, यही पेपर ABCD। तो इसका मतलब ये किसने पेपर लीक किया, जहां से पेपर बना या जहां से पेपर टाइप हुआ? मैं कह रहा हूं टाइप वाले ने फोटो कॉपी कराई। और इसको देख के क्या लग रहा है, हम लोग टेस्ट सीरीज बनाते हैं, हम लोग ऐसे पेज पर लिखते हैं, व्हाइट पेज पर लिखते हैं, वहां से टाइप करवाते हैं। तुम्हें प्रैक्टिस सेट भेजे थे ना, पहले हाथ से लिखे होंगे फिर वो टाइप के लिए भेजे होंगे। इसी बीच में इसी वजह से पेपर कितने घंटे पहले था, 24 घंटे पहले। कितने घंटे पहले? 24 घंटे। किसने पेपर लीक किया? एग्जाम सेटर से, कंपनी से। और आज तक के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ, इसलिए भर्ती बोर्ड अपनी बात नहीं मानेगा, भर्ती बोर्ड गिरफ्तार कर लेगा, डिलीट कर देगा। तुम मेरे सर की कसम खा के बताओ, अगर अभी लाइव में शेयर नहीं किया इस वीडियो को सबको पहुंचाओगे, हटाने से पहले सबूत सबके पास, ये 50 के 50 100 पेज का पीडीएफ, इसमें 10-20 पेज और जोड़ के इसी वीडियो के कमेंट्स में लिंक है व्हाट्सएप चैनल का, मैं उस पर डलवा दूंगा, तुम सब उन पीडीएफ को सेव कर लेना। ये सबूत है, मैं जेल जाऊं, मुझे गिरफ्तार किया जाए या एग्जाम्पल को बंद कर दिया जाए, तो हमें याद रखना कि हमने आवाज उठाई थी, सबने साथ मिलकर, सारे शिक्षकों ने एक समूह में होकर सब तुम्हारे लिए पढ़ाई के साथ साथ तुम्हारे लिए जान भी दिए थे, याद रखना, भूलना मत। और अगर मेरी टीम को मेरी जमानत या कुछ कराने के लिए कभी कुछ तुमसे 150 कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन की जरूरत पड़े क्योंकि मैं खाली हूं, तो उसे हिचकना मत, आऊंगा वापस फिर से तुम्हारी आवाज बुलंद करूंगा। लेकिन चाहे 17 की सेकंड शिफ्ट हो, चाहे 18 की सेकंड, एक बार सब कमेंट्स में लिख दो, दोनों शिफ्ट किसने लीक की, दोनों शिफ्ट किसने लीक की पूरा का पूरा। अब यह पेपर मैंने तुम्हें बताया 8:42 पर घूम रहा है,
842 इस तरह के आंसर की भी आई है, क्योंकि जो पेपर लीकर होता है ना सेंटर वेंटर से जो लीक करता है उसे केवल इसी प्रकार के आंसर की उसे यह कितना बड़ा सबूत है तुम बताओ। तुम्हें नहीं लग रहा कितना आज तक तुमने कभी सुना है पेपर बनाने वाले ने? अब दो शिफ्ट क्यों पेपर सेटर होगा, उसने दो पेपर बनाए, उसको दो पेपर बनाने का ठेका मिला होगा, और इसने या कईयों ने अलग अलग क्वेश्चन बनाए होंगे अलग अलग सब्जेक्ट के, वो एक जगह पर हैंड रिटन हुए, फिर जब वो टाइपिंग पे जाएंगे अलग अलग सब्जेक्ट के टीचर ने अपने बना के दे दिए, और इन क्वेश्चनों को बनाने के लिए मुझे नहीं लग रहा किसी टीचर की आवश्यकता रही होगी, एक दो सब्जेक्ट को छोड़कर बहुत बेसिक क्वेश्चन थे, तो वो वहां से साथ हुए, फिर वो हैंड रिटन में आए, फिर वो एक चीज में आए, तब वो गए, तो वन लाइन टाइप। अब मैं तुम्हें वो पीडीएफ दिखा रहा हूं 8:42 पर सुबह मॉर्निंग में, और शाम को 3 बजे पेपर है। इसी प्रकार आप देखोगे कि अरुण सर ने अपने पर सुबह 9 बजे डाल दिया, और इस तरह का पूरा पेपर, वो तो वहां पे केवल 1-2-3 ऑप्शन थे, और इसमें कैसा है आप कहोगे भैया इसमें तो आपने पूरा का पूरा लीक हुआ है वो पेपर जो बनाए, और ये 18 की सेकंड शिफ्ट में, इसमें तो तुम्हें कोई दो राय नहीं है, ये तो तुमने सेकंड शिफ्ट, अभी मैंने पेपर भी दिखा दिया। अब मैं तुम्हें एक और चीज दिखाता हूं, अब मैं तुम्हें एक और चीज दिखा